नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर है, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर होगा अंतिम फैसला। 1 या 2 मार्च को आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों की आशंका जताई गई है। यहाँ पर 100 नाम उम्मीदवारों के बताए जा सकते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर होगा अंतिम फैसला। 1 या 2 मार्च को आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। तो पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के हो सकते हैं नाम। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर आज अंतिम फैसला बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। 1 या 2 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला होगा। 1 या 2 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है और इस पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। तो बीजेपी चुनावी तैयारियों को लेकर एकदम सजग हो गई है और तमाम बैठकें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। चुनावों को लेकर पूरी रणनीति बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है और इसी रणनीति के तहत पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से अब किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नगेंद्र, अब बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार हर राज्य में बैठक की जा रही है बड़े नेताओं के द्वारा और पिछले 2 दिन से दिल्ली में भी बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। लगभग 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी की सरकार है, तो उनके मुख्यमंत्री, वहां के प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता जो हैं उनको बुलाया गया है। उनके साथ मंथन चल रहा है लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर और ये माना जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी प्रत्याशियों की। नगेंद्र, इस पहली लिस्ट में किन किन के नाम शामिल हो सकते हैं, किन किन के नामों के आने की आशंका है? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के लिए कठिन सीट है उन पर पहले प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जिससे कि उन्हें ज्यादा वक्त मिल सके चुनाव में तैयारी करने के लिए। तो जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, हो सकता है कि पहले उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं। नगेंद्र, अभी हम देख रहे हैं जो मोदी जी हैं वो पूरी कोशिशों के साथ वहां पर लगे हुए हैं ताकि 400 का आंकड़ा पार किया जा सके और इसमें दक्षिण भारत का भी एक अहम रोल है, तो उसमें उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी की अब क्या रणनीति आगे की बनाई जा सकती है? देखिए भारती, यदि आप पिछले 2 महीने का देखें कि प्रधानमंत्री के जो लगातार दौरे हैं वो सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में देखे गए हैं और आप देखिए चाहे तमिलनाडु हो, चाहे इधर के जो भी राज्य हैं वहाँ लगातार प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ लोगों से संपर्क करते हैं और जो योजनाएं हैं सरकार की उनको वहां पर करते हैं। तो जो पूरा संगठन है आप ये मान के चलिए कि वो बाकी राज्यों में है जो पकड़ मजबूत कर रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री दक्षिण भारत पर अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरे जो और राज्य हैं देश के उन पर तो प्रधानमंत्री की नजर है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो इस वक्त वो दक्षिण भारत पर दे रहे हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि कर्नाटक को छोड़ दें तो कहीं भी दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा पकड़ बीजेपी की नहीं है। और ठीक है नगेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है।
55 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया गया है शाहजहां शेख को। और अब बता दें कि आज बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां की पेशी होगी। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां है। ईडी की टीम पर हमले के बाद से फरार बताया जा रहा था, जो कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहां शेख को लेकर पिछले दिनों राजनीति भी अपने चरम पर थी और उसके बाद से आखिरकार आज शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है 55 दिनों के बाद। वैदिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नगेंद्र, 55 दिनों बाद अब शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए भारती, यदि शाहजहां शेख की बात करें तो जो राशन घोटाला था उसमें ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी और ईडी के जो अधिकारी थे उन पर उस दौरान हमला किया गया था। उससे जो शेख जहां है उनका जो नाम है वो सबके सामने आया था और उससे लोग ज्यादा उनको जानने लगे थे। उसके बाद फिर शाहजहां शेख का नाम तब आया जब संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ और वो घटना सबके सामने आई। इसके बाद से लगातार उसकी गिरफ्तारी की बातें की जा रही थी। बीजेपी के चाहे महिला विंग की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, सबकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ तक कि कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी कई बार कह चुका था कि ऐसी क्या वजह है कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आज खबरें आ रही हैं कि शाहजहां शेख जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी राहत तो उन महिलाओं के लिए भी है जो पिछले एक हफ्ते से लगातार उसकी गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना, वो पिछले 15 दिन से लगातार जल रहा है। चाहे शाहजहां शेख के जो भाई है उसके यहाँ पर आगजनी की गई हो महिलाओं की तरफ से, या फिर जो दूसरे नेता हैं उन पर जिस तरह से महिलाओं के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, तो इस सब को लेकर लगातार कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ऐसा क्या वजह है कि सरकार शाहजहां शेख का बचाव कर रही है। तो उसके बाद जब हस्तक्षेप किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर टीएमसी की तरफ से भी ये कहा गया था कि एक सप्ताह के अंदर अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आप देखिए कि आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नगेंद्र, पीड़ित लोगों के लिए तो ये राहत की बात है, लेकिन टीएमसी के लिए कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि टीएमसी की तरफ से हमेशा शाहजहां शेख को बचाने की ही कोशिश की गई, खुद ममता बनर्जी ने भी उनका पक्ष लिया। देखिए, शाहजहां शेख कोई आम आदमी नहीं है, वो बंगाल सरकार में मंत्री है और जिस तरह का उसका दबदबा रहा है, दबंग नेताओं में उसकी छवि रही है, तो वो कोई आम आदमी नहीं है। और यही वजह थी कि कोर्ट की तरफ से भी बार बार टिप्पणी की जा रही थी। अब ममता सरकार या खुद ममता बनर्जी तो उनका बचाव करेंगे क्योंकि वो उनके मंत्री हैं, तो वो उनकी तरफ से किया भी जा रहा था, टीएमसी के नेताओं की तरफ से भी उनका बचाव किया जा रहा था। लेकिन इस सारे प्रकरण में आप देखिए, चाहे ईडी वाला मामला था या फिर जो संदेश खाली वाला मामला है, कहीं भी इंडी अलायंस के जो दूसरे घटक दल हैं उनकी तरफ से कहीं भी टीएमसी का या फिर शाहजहां शेख का इस मामले में बचाव नहीं किया जा रहा था। तो ये क्योंकि वो मंत्री हैं तो टीएमसी की तरफ से भी और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसीलिए उनका बचाव किया जा रहा था। नगेंद्र, अब आगे की स्थिति क्या कुछ बनती नजर आ रही है? देखिए, उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जो ईडी पर हमला किया गया था उस मामले में भी और संदेश खाली मामले दोनों में उन पर जांच पहले से ही चल रही थी। तो अब जो भी कानूनी कार्रवाई है, यदि आरोप साबित होते हैं, खासतौर से संदेश खाली वाले मामले में जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, यदि वो साबित होते हैं तो शाहजहां शेख और टीएमसी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।